हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। आपको भैया दूज के हार्दिक शुभकामनाएं। आज है भैया दूज और बस थोड़ी देर में भैया दूज होने वाला है हमारे घर पे। भैया और सार्थक वहां पर पहुंच चुका है जय माता दी दर्शन के लिए। और भैया दूज उसने कल ही मना लिया था और सार्थक को रात से ही मेरे साथ लगा हुआ है। मतलब कि रात को पहुँच गए थे ट्रेन में, फिर 12:30 बजे के करीब कॉल आया था, पापा अब फोन मत करना। दोस्तों के साथ करना, बात करना या फोन देखना, और वो उसने 12:15 बजे उसका कॉल आ गया। कहता मैंने सारे जो फोन है ना मामा वगैरह को अपना दे दिया सारा सामान। एक्चुअली सार्थक को अलग थोड़ा सा वो मिला था वो था, क्योंकि इसने 1 महीने के बाद टिकट बुक कराई थी। मतलब एक ही उसमें थे, डिब्बे में थे, थोड़ा सा आगे पीछे थे। तो सार्थक ने सारा सामान मामा को दे दिया, मासी को दे दिया, भैया आप संभाल लो, ऊपर जाके निश्चिंत होके सो गया। और सुबह सुबह बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल मेरे पे गया, टेंशन फ्री हो गया, चला जाता टेंशन फ्री, बिल्कुल आराम से सो गया। जैसे उसको पता मेरी माँ बिल्कुल टेंशन लेती किसी चीज की, पापा है टेंशन लेते। तो उसके बाद चल फटाफट जल्दी जल्दी कर, और उसके बाद फिर सार्थक का सुबह कॉल आया कि पापा हम पहुंच गए हैं और होटल भी मिल गया। उसने वहाँ का नंबर भी, मैंने कहा तो नंबर ले ले, कहता ऊपर पापा का जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाँव और अंतरंग, जहाँ पर भी वो जाएंगे, गुलमर्ग वगैरह जहाँ पर भी जाएंगे सारी जगह वो चलेगा नंबर, वहीं का ही नंबर ले लिया। मैं भाई वहाँ का नंबर ले ले, वहाँ 400 रुपये का नंबर मिला है, अनलिमिटेड डाटा है, सब कुछ है, 5G सिम है, और कह रहे पापा फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पर। मैंने कहा चल ठीक है, अगर ब्लॉग भी वहाँ पर अपलोड करना होगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, और वहाँ के ब्लॉग ज़रूर देखना। एक अपलोड हो चुका है, आप देख लेना, फर्स्ट ब्लॉग उसका आ गया था, अब सेकंड ब्लॉग अब आएगा, रोज़ ही ब्लॉग आएगा वहाँ पर कश्मीर का, यात्रा का जो भी होगा आपको पूरी डिटेल आपको देगा वहाँ पर, कोशिश करेगा देने की। तो वाइज कमी बनाता है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी ले ली उसने थोड़ी सी। और बस अब मैं टीका होने वाला है, देखते बच्चे आ रहे हैं। क्या हाल चाल है बाबू, ठीक हो, तैयारी है? जय माता दी, पहुंच गया वो बिल्कुल एकदम। हाँ। मैं आपकी बात सारी सुन रही थी। अच्छा ब्लॉग डाल, बिल्कुल चल रहा है, ब्लॉग डाल दिया उसने अपना। हाँ हाँ चलो बढ़िया है। हाँ भाई सही चल रही है तैयारी, पढ़ाई वढ़ाई सही एकदम, रॉकेट की तरह। लास्ट का नंबर है और ये आगे आगे आ रहा है, अभी तेरा तेरा आगे आगे आ रहा है भैया, अभी तेरा रिशित भाई का है। पूरी जिंदगी जब तक भी होंगे ना तब तक भी तो कितना बड़ा होगा, लास्ट में ही बैठे हो। हाँ नंबर लास्ट में बैठे, बड़ा हो जाओ। आखिरकार तेरी बारी आ गई काकू, तेरी बारी आ गई भैया। बस इतना बड़ा नाक तक लगेगा टीका दे दे, देखियो तो ये कन्नू तो बिल्कुल, पता है टीका लगाते ही धुलो धुलते हैं। हां अब तो लगा रहने दियो, आज आज वाला पता नहीं वहां से कहीं जाया है ना, उसको इतने पसीने आते हैं अपने भी, टीका इधर उधर आंखों में चले जाता है उसका। चलो भाई हैप्पी भैया दूज, झूठा ही है वो, पेठे में से लेना, पेठे लेना। अरे भैया तो ये सामान मिल गया, दीदी ने इतना सारा सामान दिया, पैसे कौन दे देगा? अभी दूंगा जाके। कहाँ से देगा? दीदी को सामान और गिफ्ट दे फटाफट, देता हूँ। चलो वाह भाई फैंटा मिल गया, सारी मत भी लियो इकट्ठी, भाई की भी है, सार्थक भाई का भी, डॉली सार्थक का भी सामान है, तीन मेरी तीन भाई, ये ले दीदी को सगन, और डॉली गिफ्ट दे दे इसका, बराबर दीदी को गिफ्ट दे दे काकू, अपनी दीदी को दे दे भाई का तेरे को। हां जी ना को ये खा लियो, खाते ना मैं गिफ्ट मिल गया। हां जी डॉन तेरे को भी मिल गया गिफ्ट, सबको अकेले मत खत्म करियो, भाई भी देख लियो, भाई है तो 10 तारीख से जब पहले खत्म कर देगा, ये देख ले जरा, रख दियो। सब आ गए हैं डेकोरेशन खोलने के लिए भाई साहब, एक पूरे आज क्या वार है, संडे है, 10 दिन लगा दिया आपने यार, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। तो डेकोरेशन उतर रही है भैया, अब दिवाली खत्म हो गई है, अगली दिवाली पे आना भाई, डेकोरेशन उतर रही है भाई, मैं उतार ले यार फटाफट जल्दी, क्यों भी ना सुन भाई, अब खत्म हो गई दिवाली ना। तो गाइस टाइम देख लो 5:45 बज गया, भैया अब आया हूँ, सार्थक से थोड़ी देर बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी, वो चढ़ाई चढ़ रहा था। तुमने बात की थी डॉली सार्थक से? अच्छा मैगी खा रहे थे। मेरे को गाइस अब टाइम मिला दुकान से आने का, दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था, तो इसीलिए भैया अब भाग दौड़ वाला काम रहेगा यहाँ, क्योंकि इस टाइम नवंबर का टाइम पूरा पैक्ड होता है, और बस फटाफट लंच करके निकलता हूँ। तो गाइस वीडियो कॉलिंग, जय माता दी। मासी भी वो आगे बैठे हुए हैं। अच्छा मासी, येरी मामा वगैरह सब बैठे हुए हैं।
अच्छा बकरी ये रही। हाँ मासी के पास जाइए, मासी से बात करवाइए दो मिनट। खाना खा लिया? ठीक है अभी तू बात कर ले, दो मिनट मासी से बात करवाइए। मेरी कसूरी मेथी और देगी मिर्च का तड़का लग रहा है भैया। अब कुछ बन रहा है? क्या बन रहा है मैडम आज? कल स्कूल जाना है काकू को, मैंने कहा तो अब राजमा बना देती हूँ, सुबह सुबह इतनी जल्दी बनेगी भी नहीं। राजमा बन रहा है, मैंने चाय रखी हुई है भैया गैस के ऊपर बनने के लिए। अब ये राजमा की तैयारी भी कर रही है डॉली। और सार्थक से बात की है, अधिकारी पे पहुंच गए, वहाँ से अधिकारी से बैटरी लेंगे सीधा भवन पे। और बहुत जल्दी पहुंच गए यार अधिकारी वे। हाँ छुटकी है अभी साथ में, छोटी भाभी की, भाई की छोटी, कितने साल की? छह साल की होगी जब मतलब, वो भी सही चढ़ाई कर रही है। तो गाइस स्कॉट विद सार्थक चैनल है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना वहाँ से ब्लॉग। मजेदार बहुत अच्छा आज सार्थक ने ब्लॉग बनाया है पूरा माता का, मतलब वहाँ पर पहुँचते हुए अब चढ़ाई चढ़ते हुए जो ब्लॉग आएगा वो कल आएगा, आज ही आ जाएगा, मतलब जब ये ब्लॉग देख रहे होगे तो प्लीज आप देखना जरूर भाई। सही बात है, जरूर देखना। तो इसके साथ आपके लिए ही तो कर रहा है, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा शर्माता है चीजें करने में। मैंने बड़ा उसको बोर से मैं भी देख वहाँ का जो चीजें तो कर लिए तो मामी मामी, चाहे छोटा ब्लॉग बनाया 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट का बना, वहाँ पर बना जरूर की पता लगे हमारे गाइस को वहाँ का पूरा क्या माहौल है, कैसे जाना चाहिए, क्या है कैसे नहीं है। वैसे तो आप लोग सब गए होंगे। और जय माता दी भाई, मैं फटाफट चाय लेके कट लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि कस्टमर अभी कॉल आ गया। भैया मैं शॉप पे खड़ा हूँ, मैं चाय दे लेके, भैया मैं खाना तो खाने दो यार, अब तो खाना कई बड़ी मुश्किल हो जाता है भैया। कोई बात नहीं, मार्केट में कभी लगेगा। 4:30 की भाई सामान सारा बिखरा हुआ अभी तक, अब कस्टमर गए हैं अभी की रह गया। आज का काम खत्म हो गया, मगर माल सारा सब समेट लिया है, कटिंग वगैरह अभी थोड़ी सी रह गई है भाई अभी करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा संडे वाला दिन था, ज़्यादा रश होता है संडे वाले दिन। अब जा रहा हूँ, काकू का फ़ोन आ गया, सार्थक का मैसेज आया, स्पेशल फ़ोन आया कि पापा बस आज मम्मी का बर्थडे है, कल केक ज़रूर लेके आना। मैंने उसको मना किया था, मैंने कहा भाई तू आएगा तब काटेंगे, कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता भैया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरे को ना थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ अभी जाके, मैंने थार था कि बात करनी है, पूरी बात हो भी नहीं पाई थी, मेरे पास कस्टमर थे, भवन पहुँच गए थे, शायद दर्शन कर लिया उसने, तकरीबन टाइम 9:15 हो गया, बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और बस रास्ते में जाते हुए केक ले जाऊँगा। सार्थ काकू का भी अभी अभी कॉल आया था, बस अब मिलता हूँ, शॉप बढ़ा दी है, बस केक देखते हैं कौन सा लेते हैं। और इसका कौन सा दूसरे वाला पिंक वाला कौन सा, इसका बाबू इसका पिंक वाला कौन सा है? अरे बाबू पिंक वाला कौन सा इसका? इसका पिंक का सेम है, कलर चेंज है, सेम वैसे ही है। गाइस ये वाला काकू बताइए, मैंगो फ्लेवर वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है यार, इसको मैंने यहाँ से ले लिया, अब सीधा जा रहा हूँ घर पे। और साथ को मैंने फोटो भी भेज दिया, साथ तक ने जो पसंद किया था मैंने वही वाला केक लिया। 9:40 पे घर पे भागता भागता काकू को मैंने बोला मम्मी को किसी बहाने पे साइड में करते, और अपने लिए भूख लग रही थी भाई, पैटीज भी लेकर आ गए, पैटीज खाते हैं, आलू वाली भूख लग रही बड़ी ज़बरदस्त वाली, क्योंकि आज खाना ढंग से दोपहर को खाया नहीं है। अब केक रख देते हैं फ्रिज के अंदर। काकू तेरी मनपसंद वाला केक ले आया हूँ। टी शर्ट कौन सी डाली है तूने? कौन सी टी शर्ट कलर डाला तूने? कौन सा मैंगो केक लेके आऊँ मस्त वाला, तुम्हें जो बोला था ना भाई को भेज, भाई कह रहे ठीक है। अब मम्मी है ना ऊपर, मम्मी छत पे है, मम्मी को मत बताइए उसको। चावल बने हुए हैं भैया, और यहाँ के बने हुए आज हमारा सार्थक राजमा, पता नहीं शायद वो भी राजमा चावल वगैरह खाएंगे, सार्थक राजमा, ये चावल बने, राजमा बने भाई, राजमा देखो घर में बने, ये बने घर के राजमा, घर में तो बात अलग है, घर के राजमा उसकी उधर बात कर उसने भी लिखा है। तो गाइस अभी करते हैं बात, मैं आ गया था शॉप से। हाँ वो तो चढ़ाई करने की तैयारी कर, मतलब भवन पे दर्शन करने की तैयारी कर, भवन में दर्शन कर लिए होंगे उसने, तब बात हुई थी, दर्शन कर लिए होंगे। हाँ वो करे ठंड है पापा बड़ी वहाँ पर यार, कहते सुबह शाम तो ज्यादा ठंड है, मतलब जब चढ़ाई करो फिर तो तुम्हें पता है गर्मी बड़ी लगती है, भागते भागते बंदे पड़ते हैं ना। तुम्हें से थोड़ी देर बात हुई थी, उस टाइम फोन आया था, हमारे से भी बात हुई थी, पर तब ना नेटवर्क ढंग से मिल नहीं रही थी, वो रुक रुक के रुक रुक के बात हो रही, ऊपर भवन भी है ना इस वक्त। हाँ। तभी करके भवन भी तो फोन अलाउड है, भवन के अंदर अलाउड नहीं है, मैं फोन तो फिर रूम में रख के जाएंगे, रूम में रख के जाएंगे, जो रूम ले रखे ऊपर गौरी भवन, गाइस गौरी भवन लिया हुआ है रूम, एक दिन का रूम का जो किराया है वो 1100 रुपए है ऊपर वाले भवन का, हम भी जाते हैं वहीं पे रुकते हैं, जब हम गए थे सन 2018 में तब था रूम का किराया 700 रुपए, हमें काफी टाइम हो गया ना। हाँ 18 में गए थे, 18 6 24 6 साल हो गए हैं, और अब है 1100 रुपए किराया है, सबसे बेस्ट है। साथ तक माता रानी ने बुलाया, हमें कहते तुम रुक जाओ तुम्हारी बारी नहीं आई, इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा ना साथ की, वो कैसे गया आप यकीन नहीं करोगे,
बस पर फिर भी चलो चले गए, ये होता है बुलावा, ये सही में असली बुलावा। गाइस हुआ क्या मैं आपको बताऊं, एक इसके मामा ने एक महीने पहले बुक करा दी, मेरे से पूछा, सबसे डॉली से पूछा, मगर मैं जा नहीं सकता था। मैंने सार्थक को कंफर्म नहीं था उसका पेपर है या नहीं था, इसलिए वो पक्का बोल नहीं पा रहा था कि मैं जाऊं ना जाऊं। जब टिकट बुक हो गई उसके एक महीने बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, कह रहा पापा मेरे को भी कश्मीर जाना है, मामा के साथ जाना है। मैं कहा भाई एक महीना हो गया, टिकट कैसे होगी? कह रहा कर लेते हैं, अगर होगा तो देखी जाएगी। इसने भाई टिकट बुक कर दी, वो वेटिंग में जाती रही। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले टिकट कंफर्म हो गई, सीट भी मिल गई, सब कुछ हो गया। अब वो चले भी गया भैया, दर्शन भी कर लिए उसने। अब वहां से अपने अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने अभी देखी नहीं मिला भाई। मैं अभी देखूंगा आराम से बैठ के। जय माता दी। और भाई क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे टू यू। खुद ही गाना गा लो। याइका डाल लिया। हाँ अब जा रहे हो दर्शन के लिए? हाँ अब जा रहे हैं 10 बजे। तू तो कहते दर्शन कर लिए मेरे को मैंने। नहीं नहीं क्या? तू तो कहते दर्शन में जाओ, मैं कर लिए बाबू। सृष्टि ठंड है यहाँ पर? और तेरे जी सबने स्वेटर डाले हुए हैं भाई, मोटे मोटे, एक जैकेट है, एक स्वेट शर्ट है, इतनी भारी ठंड है भाई वहाँ पे। तो कुछ हवा लगेगी फट जाएगा, यहाँ लगा ले क्रीम। अरे मैं नहाया हूँ इसलिए डाल रहा हूँ। अच्छा बोलिया बुई को हैप्पी बर्थडे। हाँ बोल दिया हैप्पी बर्थडे बोल दिया। इतना दिन है भाई आज दिवाली को, ये लाइट अभी तक जल रही है पानी के अंदर, कमाल है भाई। अब देखते हैं, मैंने डॉली को कहा पड़ी रहने दे, देखते कितने टाइम तक डॉली। लाइट अभी तक जल रही है, वो वाली ड्राइंग रूम की लाइट ना जो लेकर आए थे पानी में, फ्लोटिंग लाइट अभी तक जल रही है। राजू सही बने ना, मस्त एकदम। अभी दो बार का कितना खुश होकर नहीं, बस टाइम कितना हो गया? टाइम 11 बजे। 1 घंटे बाद हॉस्पिटल लेके जाना मम्मी को फटाफट। नहीं सुबह गई थी। अच्छा सुबह गई थी, ठीक है। मुझे लेके जाना भाई नानी को। नानी तो बेचारी गई, मुझे नहीं हॉस्पिटल लेके नानी जाती तो मैं आती ना। नानी तो ऊपर चली गई है। अभी तेरी मम्मी आने वाली है। खुश हो रही है। 1 घंटा बच गया भाई, 1 घंटा भी नहीं 55 मिनट सिर्फ। हम 12 बजे करते पर हम अगले जो कल का दिन मेन है उस दिन शाम को पैदा हुई थी। अच्छा शाम को कितने बजे पैदा हुई थी? 4 आपका कौन सा टाइम था? मेरा 4:10 का, जब मंदिर में घंटिया बज रही थी टन टन टन। मेरा भी वो 4:00 कुछ मिनट का टाइम था, मुझे मम्मी ने बोला था, दिमाग में नहीं है कौन सा घंटी से घंटी टकरा गई होगी। हमारा भी मेरा भी पता 4:45 का था, मतलब 4:00 कुछ तो मिनट था। आप पहले आए हो तो पहले थोड़ी देर ज्यादा जल्दी आ गए हो, मैं पीछे पीछे आ गई थोड़ी देर लेट आई हूँ। अच्छा ये रास्ते में थी, देख ले। चल भाई भाई को फोन करेंगे। मैंने सोचा सार्थक ने के पहले मुझे आया था 7 बजे के करीब वीडियो कॉल। अरे वो कमरे के लिए खड़े थे, भवन की दर्शन नहीं करवा रहा था, भवन की फोटो दिखा रहा था वो। अच्छा मैंने सोचा शायद भवन के दर्शन कर। नहीं नहीं अब मेरे पास कस्टमर थे, मेरा टाइम ही नहीं मिला। 4 बजे की चाय मैंने 7:45 पी है। आपने कितनी देर बात की? हमने तो आज बहुत ज्यादा टाइम बात भाई। मैंने 4 बजे की चाय 7:45 पी है, जब मैं 4 बजे वीडियो कॉल नहीं करी आज। हाँ बेटे बोल ना। हैप्पी बर्थडे पापा जी, और आप बस आप दादू जहाँ पर रहो, आप बस भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। और टाइम तकरीबन 12:01 12:01 हो चुका है। सबसे पहले हम पापा जी को विश कर दिया। हाँ पापा जी डैडी को विश करने आए हैं, उसके बाद फिर चलो जी चलो। सार्थक ने वहीं से कर ली है, मैंने बोल दिया था कि नाम ले लियो दादू का। वो तो इस टाइम भवन में होगा, आ गए होंगे, आ रहे होंगे, कह रहे थे 11:00 बजे दर्शन करेंगे। हां भी है, सही बात इनके अपने होशा। गाइस टाइम हो चुका है पूरे 12। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आर एचएम। तो गाइस कुछ मिला नहीं था भाई, मैं बैलून लाना भूल गया था, पड़ा नहीं थे, और ये बैलून हमने इतने से लगा दिए, फिर भी शगुन कर दिया बैलून का बर्थडे का, है ना। मैं इनको बोल भी रही हूँ, कोई मैं सूती थी बच्ची थोड़ी, यार कोई बात नहीं बच्चे नहीं हो, टाइम हो चुके हैं 12 सबको बुला लिया। मैं कहा भाई चल बुला लेते हैं भाई, सब कौन कौन आ रहे भाई पता नहीं क्या, पार्टी वाले आ रहे, सरप्राइज पार्टी देंगे दिवाली को। अरे वाह
भाई बर्थडे का ये लगा दिया है, काकू ने कहा बर्थडे का यही बहस पड़ा था, मैं हमने ये लगा दिया, कोई वो नहीं था, एक बैलून तो फूस हो गया था। काकू को इतना वो पड़ा हुआ ना कि मम्मी के पास ये ले सजा दो सजा दो। तेरा भाई अपने दर्शन कर रहा होगा इस समय माता रानी के। कोई नहीं करने तो क्या करे, पहले बात कर चुका है, बोल दिया एडवांस पे तो मम्मा प्रॉपर उस टाइम शायद ना भी मिले, बाद में मैं बात करूंगा मैं, ठीक है चलो जी आओ करेंगे तो गए हुए ना कुछ बुला ले सबको। हाँ बुला ली, मैंने बुला लिया सबको, मैंने केक कहाँ पर है मुझे क्या पता, कोई सरप्राइज लाने वाला है, कौन लाने वाला है आप मुझे क्या पता, कोई तो लेके आएगा, घर में इतने बंदे हैं, कोई ना कोई तो लेके आएगा। तेरे को पता है कि केक आएगा और कटेगा? हाँ हाँ सब पे बटेगा। मैन इन ब्लैक, सब मैन इन ब्लैक बने हुए हैं। तो गाइस सारे जाके गोंटोली भाभी को ये गिफ्ट आ गया भाई, पहला तेरा गिफ्ट आ गया, पहला गिफ्ट आ चुका है, बहुत सारे अभी गिफ्ट आ रहे हैं धीरे धीरे पीछे पीछे से। अपने बर्थडे की कैंडल खुद ही जला रही है भाई, क्या करे आप अपने आ रहे हो तो मैं खुद ही स्वयं कर लेती हूँ, मैंने कहा चलो आपको क्यों तकलीफ। तो गाइस केक देखो भाई, ये एक सार्थक को मिस किया जा रहा है भाई। काकू तू पीछे हो जाए थोड़ा सा, भाभी जी आप भाभी जी आप सामने चले जाओ ना, ये भी है ना निक्की के साथ दब जाओ सामने। अच्छा गर्मी लग रही है, चला मुझे अभी रुक जा खिलाते हैं। नहीं 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 अब इसको मैं पकड़ लेती हूं, मेरी बेटी है मेरी मम्मी, मैं आपका आपको दे दूंगी। अरे चक्कू तो मेरे, ये नाइफ तो मेरे पास है भाई, पकड़ो चलो सात तक के बिना देगा केक। चलो कोई बात नहीं काट ले, तो केक कटने लगा है, हम बार बार नहीं काटते हैं, केक कटने लगा है, सब में बटने लगा है। चलो जी मैं करूंगी जरा जरा से इनको दूंगी, गाइस मुझे बहुत सारी बड़ी काकू इस साइड आ जा, बस सारे लिफाफे मिल चुके हैं, वो जो मैं कल दिखाऊंगी आपको एक एक करके गिफ्ट कल दिखाएंगे। कहते तो बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी, बड़ी से बड़ी हो चुकी है, अब पैसे लेके अपने गिफ्ट करी नहीं है पागल बना दिया। अब गिफ्ट कल दिखाएंगे भाई, चलो हैप्पी पुची बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, कल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कॉपीराइट लग जाएगा, ये कर लेंगे हैप्पी बर्थडे। काकू नहीं आई तो गाइस केक कट गया है और सब में बट गया है, नहीं बटा नहीं अभी हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा है मैंगो फ्लेवर यार, अच्छा मेरे को भी खिलाएगी, खिला दे और क्या, चीना ले, ये ले भाई लगा दो, इसको भी खिला दे थोड़ा सा बेचारी, दे मेरे हाथ में, नहीं मेरे हाथ में दे दे, तू फिर सबको खिला रही है, मेरे हाथ में दे, चलो भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इसको दिखा कैसे केक खा रही है, ये भी केक खा रही है, चीन केक खा रही है, मानती है भाई, ये देख ये देख, ओ माय गॉड, ये देखो सजा रहे हैं मुझे कितना अच्छा, ये पहली बार इतनी मेकअप हो रहा है मेरा, चॉकलेट स्पेशल, चॉकलेट स्पेशल, मैंगो चॉकलेट स्पेशल, चीना की शादी आने वाली है, मेकअप तो बनता है, मुझे तो चाट सकती है मेरी फेस पर, मैंगो चॉकलेट स्पेशल, नहीं बड़े आराम से चाट जाएगी, चाट जाएगी, जल्दी जा भाई जा, खा के उठा के खा रहा है अपनी, तू खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, वैसे भी खाने के मामले में किसी को ना करते, चिड़िया बंद करके आ, चिड़िया बोल गया, ये देखिए मुंह नीचे चटाई देखो गाइस, सही कह रही है, इस बार मेरे प्यारी प्यारी भाभियों ने मुझे इतनी सुंदर सजाया जो मैं पद मेरी क्या 25वां एनिवर्सरी आएगी ना तो ये मुझे दुल्हन बनाएंगे, क्योंकि प्रॉमिस किया सबने मिलके, नहीं तेरे को आराम से अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लहंगा पहनियो और गोल्डी भी अपनी ड्रेस बनाएगा, शादी का दोबारा करो, से किसमें आएगी, सन कौन सा, कौन सा सन कब आएगी, 26 या 27 में आएगी, 26 या 27 में आएगी, तो गाइस डेट कंफर्म करके बताएंगे कल, ढूंढ पहले ये तो पता लगे, हमारी शादी हुई थी यार, लगा लो सीधा तो 27 हो गया ना, हाँ 27 हो गया, बस 27 के एंड में, हाँ कंप्लीट होगा, एंड में नहीं मार्च में, 7 मार्च को, अभी इसका मतलब 25 26 27 3 साल पड़े, सार्थक की शादी हो गई होगी,
पागल हो गए, इतना बच्चे कौन करता है? इतनी एक बात कौन, मैं कन्नू से उम्मीद नहीं लगा रही, तीन साल में इशू से नहीं लगा रही, तो तू सारा तकी कैसे लगा रहा है? अभी बच्चे नहीं करने वाले, तीस साल से बच्चे वाले कोई शादी नहीं, जल्दी बुढ़ा बना दोगे मुझे, मतलब सासा बना दोगे मेरे को। भैया अब ब्लैक टी शर्ट खुद डलवा दी है और केक बट चुका है, ये हमारे लिए हिस्सा बच गया है, बाकी सारा केक ये देख लो इसकी हालत पूरी, अब ये फैशन हो गया चॉकलेट वाला। और बस दर्शन करके आवेद करे, 11:30 11:15 गए थे, बिल्कुल खाली था, ऐसे चलते चलते गए हैं, बिल्कुल दर्शन किए, बस एक जगह भी नहीं रुके, एक जगह भी नहीं रुके, और बहुत अच्छे दर्शन। जब हम इकट्ठे पीछे गए थे तब इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी, हम लोग तो अंदर आ गए थे, जो लोग रह गए थे पिछली बार जब हम गए थे 6 साल पहले, जबरदस्त भाई। तो गाइस मन तो इसका सारे बच्चे, मन तो थोड़ा सा उदास था इसका, क्या करे भाई, बच्चा गया हुआ है वो भी दर्शन के लिए, क्या ले। हाँ इसीलिए कहते पूरी फैमिली के लिए विश मांगने में, कोई नहीं मेरे सारी फैमिली मेरे साथ थी, अब फिर उदास का खुशी भी होती है, क्या कर सकते हैं। तो गाइस इसके साथ कर रहे हैं ब्लॉग के एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।